बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली, ये सोनीपत से बड़ी जानकारी है। रैली में सीएम नायब सैनी का संबोधन और बीजेपी के तमाम नेता इस रैली में शामिल हुए हैं, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जन आशीर्वाद रैली सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें बीजेपी इस रैली में सीएम नायब सैनी शामिल हुए हैं, बीजेपी के तमाम नेता रैली में शामिल हुए हैं। तो इस बीच सीएम नायब सैनी संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जानना चाहता है, आप आकर के मंच पर बताने का काम करें। भाइयों, प्रदेश के लोगों को गुमराह मत करें। भाइयों, आज तक जवाब नहीं है इनके पास। ये लोग सुबह उठते हैं, ये राहुल गांधी इनका सरगना है, इनका मुखिया है, और उससे पूछ लेते हैं। वो रात भर में तैयार करता है झूठ और उसको पसोरने का काम करते हैं। भाइयों, 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश के भाग्य का फैसला होना है। हरियाणा प्रदेश के आम चुनाव विधानसभा के हैं, हमने निर्णय करना है। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए आया हूं, अपने लिए लेने के लिए आया हूं, भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी के लेने के लिए आया हूं, कि हमने उसको भी और ताकत देनी है और शक्ति देनी है, ताकि वो गति से हमारा सहयोग करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ा सके। भाइयों, मुझे पूर्ण विश्वास है, सोनीपत की सरदारी के ऊपर विश्वास है। अभी क्योंकि हमारी चुनाव प्रत्याशियों की लिस्ट 1-2 दिन में जारी होगी, और जब 1-2 दिन में जारी होगी, भाइयों, कमल के फूल को हमने सोनीपत से खिला करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करना है। मैं ये विश्वास आज सोनीपत की सरदारी को दिलाता हूं कि जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने अपने बेटे भाई के सिर के ऊपर रखी है, भाइयों, किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करूंगा। भाइयों, ये आप लोगों के बीच में आज मैं ये संकल्प लेकर के कहता हूं। भाइयों बहनों, जो लोग हिस्सा मांग रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं 10 सोच रहा था कि ये 10 वर्ष का हिसाब अगर मैंने दिया, कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, अभी भी वेंटिलेटर पे है, फिर आईसीयू में चली जाएगी, ये बाहर नहीं रहेगी। अगर हमने जो काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी, परंतु मैंने क्या काम किए हैं, किस गति से काम किए हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं। भाइयों, 12 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हरियाणा के हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मुझे 12 मार्च को इस पवित्र पद के ऊपर बैठाने का काम किया। भाइयों, 13 मार्च को शपथ लिया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा। अगर 12 मार्च से लेकर के हम 8 अक्टूबर तक देखें, तो लगभग ये 188 दिन बनते हैं। 188 दिन में से लगभग 134 दिन कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए हैं। भाइयों, 13 मार्च से लेकर के 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, और भाइयों अब फिर 16 ये अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, और ये जा करके 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा। मेरे पास मात्र जो समय बचा था काम करने के लिए, वो समय था मात्र 56 दिन का समय था। भाइयों, 56 दिन का समय, और इन 56 दिनों के अंदर आपके भाई ने
बिना रुके बिना थके लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर हर रोज एक से एक निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 56 दिनों में भाइयों 182 ये दिन थे टोटल, जिसमें 56 दिन मैंने काम किया है। 56 दिनों के अंदर 126 मजबूत निर्णय आपके भाई ने आप लोगों के हरियाणा के हित के अंदर लिए हैं, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। भाइयों हमने सबसे पहले निर्णय 7 मार्च जोन को हैप्पी कार्ड दिया, जिनकी इनकम 1,00,000 रुपए से कम थी उसने कहीं बाजार में जाना है, कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, वो 1 साल के अंदर 1,000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सके, उसको चिंता नहीं है किराए की, और वो जाकर के हॉस्पिटल में भी दवाई ला सकता है, बाजार में सामान ला सकता है, अपनी रिश्तेदारी में भी जा सकता है। ये निर्णय हमने 7 जून को किया। भाइयों 8 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 50,000 और बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाने का काम करेगी। भाइयों ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 9 जून को हमने एक और बड़ा निर्णय किया, हमने SC और BC समाज के लोगों को बुला करके पंचकुला के अंदर भाइयों उनकी धर्मशालाओं को चिन्हित करके उसके नवीनीकरण के लिए उनके बीच में बैठ करके 118 करोड़ रुपया जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मैंने 10 जून को एक और बड़ा निर्णय किया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार ने कि लॉलीपॉप देकर के 100 गज के प्लाट के बारे में कि हम 100 गज का प्लाट देंगे, ना कागज दिए ना कब्जा दिया, यहीं सोनीपत के अंदर हमने उस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और 20,000 लोगों को कब्जा भी और कागज भी 100 गज के प्लाट का देने का काम ये आपकी सरकार ने भाइयों एक मोस्ट किया है। और भाइयों 17 जून को हमने एक और निर्णय किया कि जिन परिवारों का बिजली का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे सब लोगों के मंथली मिनिमम चार्ज वो पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, ताकि गरीब व्यक्ति को बिजली के बिल का ज्यादा वजन ना पड़े, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों 19 जून को हमने जींद के अंदर एक और बड़ा कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम के अंदर हमने हजारों श्रमिकों के खाते के अंदर 80 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। जो श्रमिक कांग्रेस के समय में उनकी तरफ देखता रहता था, उन तक लाभ नहीं पहुंचता था, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि अगर हमारे श्रमिक की बेटिया की शादी होगी तो मेरे विभाग का सरकार का अधिकारी 3 दिन पहले उसके घर में चेक लेकर के जाएगा, ये व्यवस्था ये आपकी सरकार ने की है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमने 21 जून को 20 जून को हमारी सरकार ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के अंदर 544 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के शुरुआत करने का कार्य हिसार के अंदर जा करके किया। 21 जून को हमने प्रदेश के 49,000 ऐसे किसान थे जिन किसानों की फसल के खराबे का मुआवजा रुका था, ऐसे 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमने किया है। भाइयों लगातार हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। 25 जून को भी किया, 26 जून को एक और निर्णय किया, 26 जून को
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मैंने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करके 20,000 लोगों को जो शहर के अंदर जिनके पास जमीन नहीं थी 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, आगे भी इसको जारी हम रख रहे हैं। 14 शहरों के अंदर हमने सबसे पहले ये ला करके दिया, इसको और आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने 29 जून को ओबीसी की क्रीमिलेयर का बड़ा फैसला किया, वो 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए का करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया ताकि ओबीसी समाज के लोगों को उसका लाभ मिल सके। भाइयों, हमने एक और बड़ा कार्य किया है, हर रोज कोई ना कोई काम हमारी सरकार कर रही है, परंतु मैं आप लोगों के बीच में ये हिसाब लेकर के आया हूं कि हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया है। कांग्रेस की सरकार कमीशन मोड में काम करती थी। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैंने 1 जुलाई को एक बड़ा निर्णय और किया कि हमारे HKRN के जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी 8% बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2 जुलाई को जो हमारे सरपंच साहिबान थे वो ये मांग कर रहे थे कि 5 लाख रुपए की अधिकार दिया है विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने का, इसको बढ़ाया जाए। हमने इसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का कार्य ये 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र के अंदर सरपंचों के बीच में जा करके किया है। भाइयों, हमने जो कांग्रेस के लोग हर रोज झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हुए घूमते हैं और ये अग्निवीर के ऊपर बोलते थे कि युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया, अरे कांग्रेस वालों, ये युवाओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में नहीं किया, ये कांग्रेस का भविष्य अंधकार में हो गया है। मैं ये आज आप यहाँ सोनीपत की सरदारी में कह रहा हूं, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारे अग्निवीर हैं, उन अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा हरियाणा सरकार आते ही उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी और सभी विभागों के अंदर उनका हमने 10% का आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 4 अगस्त को हमने निर्णय किया जो हमारे किसानों को अंग्रेजों के समय का अभियान देना पड़ता था उस अभियान को मूल रूप से समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया और हमारे किसान भाइयों के ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया था उस 133 करोड़ रुपए को भी हमने समाप्त करने का काम किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया ये कि किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का निर्णय ये भी हमारी हरियाणा सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 7 अगस्त को जो हमारी माताएं बहनें थी तीज के पर्व के ऊपर जींद में एक बड़ा कार्यक्रम था और हमने वहां निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 2.80 करोड़ की आबादी है और उसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। 1 अगस्त से हमारी माताओं को बहनों को ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलना भी शुरू हो गया है। इसके ऊपर जितना पैसा लगता है वो आपका भाई बेटा ये निर्णय किया है कि इसको हम देने का काम करेंगे, हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। 8 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया, हमने निर्णय किया कि HKRN के जितने कर्मचारी थे चाहे वो पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में था या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था, ऐसे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित पक्का करने का काम ये आपकी सरकार ने एक कलम के अंदर किया है। भाइयों, हमने क्योंकि अब की बार बरसात भी कम हो रही है,
हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए भेजने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एक और निर्णय किया, 12 अगस्त को एक योजना बना करके मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो हमारी ऐसी समाज की बेटियां हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, ऐसी बच्चियों को 1,11,000 रुपए की राशि दे करके उनको प्रोत्साहन करने की योजना हमने चलाई है, ताकि बेटियों को सम्मान दिया जा सके। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने कुछ क्वेश्चन ये कांग्रेस के लोगों से पूछे थे, आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं को कही कि भाई अगर 15 क्वेश्चन मेरे क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते तो 5 क्वेश्चनों का उत्तर दे दो, कुछ तो दो, पता तो लगे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। मेरे क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक पूछे हैं या गलत पूछे हैं, आप लोग बताने का काम करेंगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ये कांग्रेस के लोगों को पूछा, आपकी सरकार में गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं लगती थी, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, उसको बताने का काम करें, वो क्यों लग पर्ची खर्ची से मिलती थी ये बताने का काम करें। मैंने ठीक पूछा है कि नहीं, बताने का आप लोग काम करेंगे। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आपकी सरकार में किसानों की जमीन दफा 4 और दफा 6 लगा करके उनको हड़प करके दिल्ली में बैठे दामाद को खुश करने के लिए उसको दे दी जाती थी, इसके बारे में भी हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं, ये बताने का काम करें। हमारी सरकार में 10 वर्षों में एक भी किसान की भूमि 1 इंच भी हमने इक्वायर नहीं की। भाइयों, ये हरियाणा के किसान इनसे पूछना चाहते हैं। मैंने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपकी सरकार में कितने किसानों की फसल MSP पर खरीदी गई थी, इसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने यह भी पूछा था कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा से, आपके समय में किसानों की फसल के खराबे के 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, 3-3 रुपए के चेक दिए जाते थे, क्यों दिए जाते थे, क्यों अपमान किया जाता था मेरे किसान भाइयों का, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कि किसानों के ऊपर आपकी सरकार में गोलियां चली थी, क्यों चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा, सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, सोनीपत पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, नई अनाज मंडी में यह कार्यक्रम है जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा विपक्ष हिसाब मांग रहा है, मैंने हिसाब दिया तो कांग्रेस ICU में चली जाएगी।